मेन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, देश में मुद्दों की बात होनी चाहिए। गरीबी, पलायन, भूखमरी, इंडस्ट्री, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स क्रिएशन, इन सारी चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद, कहीं ना कहीं से टकरार वाली जो बात जो है, जो देश को तोड़ने वाला काम करता है, आज उस पर चर्चा की जा रही है। किसान आंदोलन जो इतनी बड़ी समस्या जो किसानों के लिए है, जो MSP पे उनको चाहिए, पूरे जो 3 कृषि बिल है, जो एग्रीकल्चर जो बिल लाया गया, उसमें कहीं भी MSP का जो है जिक्र नहीं है। किसानों की हालत दयनीय है और हमारा देश ही एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आज इतनी सरकारी कंपनियां थी, एज एन एग्जाम्पल आप रेलवेज को देख लीजिए, आप BSNL को देख लीजिए, आप भारत पेट्रोलियम को देख लीजिए, इस तरह की जितने चाहे कोल हो, सेल हो, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, यानी निजी हाथों में दिया जा रहा है। और इन सभी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा जॉब मिलता था, वहां रिजर्वेशन जो है वो हुआ करता था। अब तो ऑटोमेटिकली जब संस्थाएं नहीं रहेंगी सरकार के अधीन, सरकार के पास, तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्वेशन वो खत्म हो गया। तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, बिहार में भी BJP की सरकार है, BJP के अनुकंपा पे एक मुख्यमंत्री है, 15 साल से उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल हो या स्टेट हो, इन्होंने तो बिहार को बर्बाद कर दिया।